दोस्तों, मैं अबू हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं एचआर के स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से एमएस वर्ड पर उर्दू टाइपिंग की जाती है। ये एक बहुत ही आसान तरीका है आज के दौर में, जबकि इमपेज में बहुत सारे वो ऑप्शन नहीं है जो हमें एमएस वर्ड में मिलते हैं। हम एमएस वर्ड को आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि हमें इमपेज में नहीं मिलते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे थे कि ये उन्हें ज़रूरत पड़ती इसे किस तरह कन्वर्ट किया जाए, और अगर वो इमपेज में करते हैं तो वर्ड में नहीं आता है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम होगा। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से कौन से फॉन्ट हम याद करें, किस तरह से उसे इंस्टॉल करना है और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर ज़रूरत है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एमएस वर्ड में कौन कौन से ऑप्शन हैं जो हम जिसका यूटिलाइज़ अच्छे से कर सकते हैं और जो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक फॉन्ट है जो कल उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड है, ये हमें इंस्टॉल करना होगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये एक फॉन्ट है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, फॉर विंडोज के लिए है ये, यहाँ पर क्लिक करते ही ये एक ऑप्शन आपको खुल कर आता है और यहाँ पर जाकर इसे कर्व उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड लेआउट, इसे आपको क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे ही आप इसे डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद इसे आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसे सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि इसको हमें राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करने पे इसे पहले आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है सेटअप, इस पे जाना है, आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे रन दे रहा है तो आपको रन नहीं करना है, बल्कि इसको आपको एक्सट्रैक्ट ऑल करना है। इस ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से आप इसे खोलेंगे जहाँ पे आपने डाउनलोड किया, उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑल करते हैं। आप एक्सट्रैक्ट ऑल करके एक्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ ही मिनटों में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब आके यहाँ पे आप देखिए, ये इंस्टॉल हो चुका है पूरी तरह से। ये आप जब इसको सेटअप को खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे ये चेंजिंग इसकी आ चुकी है जो पहले ये नहीं आ रही थी। अब हम यहाँ पे आकर देखते हैं कि ये लैंग्वेज वाले ऑप्शन में, तो देखिए यहाँ पे उर्दू का उर्दू फोनेटिक ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आइए जो दूसरे जो चीज़ है जो इसमें लोड करनी है, जिससे हम काम कर सकते हैं, ये है जमील नूरी नस्तानी। तो जमील नूरी नस्तानी ये एक फॉन्ट है, इसे हमको लोड करना है। यहाँ पे डायरेक्ट जाएंगे urdujahan.com पे, यहाँ से आपको क्लिक करते ही एक और ऑप्शन आएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनमें से देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनमें से बहुतों को आप याद करें। यहाँ पे देखिए जमील नूरी नस्तालिक, इसे आप यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए, ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो चुका है। आप यहाँ से इसे शो इन फोल्डर में जाइए और शो इन फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे जमील नूरी नस्तालिक पहले से मौजूद है। देखिए यहाँ पे आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट ऑल कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए अगर आपने पहले नहीं किया है तो, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये आपका पूरी तरह से हो चुका है। अब हम आइए एमएस वर्ड में चलते हैं। ये एमएस वर्ड मैंने पहले से वो पेज खोल रखा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैं उर्दू टाइप कर रहा हूँ वो बिल्कुल भी दूसरा है। मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और जाने के बाद आप यहाँ पे इसको जमील नूरी नस्तालिक को आप जब न्यू हैं तो करेंगे तो वो नीचे में कहीं पर आएगा, वहाँ से आप इसको देखिएगा। ये देखिए मेरा यहाँ पर मैंने इसे किया है जमील नूरी नस्तालिक, और ये देखिए पूरी तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसका फॉन्ट चेंज हो चुका है, आप आराम से लिख सकते हैं। और इसकी एक बात
अच्छी लगी। ये तो आप इसे फॉन्ट हमारा इंस्टॉल हो चुका है उर्दू का, ये भी एक है उर्दू पाकिस्तान करके, उर्दू पाकिस्तान ये है और एक ये है, इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसे टाइप किया है, ये आ चुका है। अब आते हैं यहाँ पे कि जमी ये जो एमएस वर्ड है वो किस तरह से अलग है इन पेज से। तो ये पहला ऑप्शन ये है, यहाँ पे मैंने इसे आपको इसको देखिए ये ऑप्शन है, इसमें आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे, जितना बड़ा चाहें आप उसे बड़ा कर सकते हैं, मैं इसे 28 रखता हूँ। इसके अलावा ये एक ऑप्शन है बोल्ड करने का, आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए कर्वी है, इसे कर्व कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको इसमें कुछ अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये छोटा बड़ा करने का ऑप्शन है, इसे आप छोटा कर दीजिए, इसे बिग कर सकते हैं। यहाँ पे भी वो ऑप्शन है, यहाँ पे जो एक ऑप्शन आपको मिलता है देखिए ये कलर का है, आपको अगर इसका कोई कलर चेंज करना है येलो ब्लू किसी भी तरह का तो आप इसे कलर चेंज करते हैं। अगर आप इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो ऑप्शन यहाँ पे ये देखिए, आप इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड आपको चाहिए वहाँ पे इसे कर सकते हैं। ये एक बड़ी चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि ये उर्दू का उर्दू है, इस साइड से ये इस साइड से उर्दू लिखी जाती है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे ये वाले ऑप्शन पे, ये इंग्लिश के लिए है। अगर आपको इसमें बीच में इंग्लिश भी ऐड करना है तो आप बीच में इसे इंग्लिश भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको सेंटर में लाना है तो ये ऑप्शन सेंटर के लिए है, हेडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें तो हो गई। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप इसे कर लीजिए, अगर आपको नंबरिंग वगैरह करनी है आपको यहाँ पे ये लगाना है, ये लगा सकते हैं, ये लगाना है, जो भी ऑप्शन है बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, मैं ये लगाता हूँ। इसके अलावा मैं जैसे ही नीचे जाऊँगा ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, देखिए मैंने यहाँ पे किया ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहा है। ठीक है, अगर इसको मुझे पैराग्राफ में लेना है, ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे इस लाइन पे, अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे बैक स्पेस क्लिक करूँगा, मैं बैक चला जाऊँगा, देखिए यहाँ से ये नहीं है। फिर अगर हमें नीचे कुछ चाहिए, अभी ये लाइन यहीं से आ रही है, तो हम यहाँ पे जाएंगे किसी भी ऑप्शन को, 1 2 3 का अगर हमें लगाना है तो 1 2 3 लगा देंगे हम, यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे। दूसरे नंबर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपका फौरन ही 2 नंबर आ जाएगा, इंटर क्लिक करते ही 3 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर रहा हूँ, एक के बाद मैंने भूल गया, मुझे बाद में कुछ ऐड करना है, तो देखिए नंबरिंग खुद ब खुद ये चेंज हो जाती है। देखिए 2 3 4 वो चौथे नंबर पे आ जाएगा, फिर मैं तीसरे नंबर पे इसको ला रहा हूँ, देखिए तीसरे पे ये चौथे पे आ गया, ये पहले 2 पे था अब 4 पे आ चुका है। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन। इसके अलावा अगर आपको बीच में करना है, आपको किसी को भी बीच में करना है, इसको मुझे थोड़ा सा इधर लाना है, मैं यहाँ इसे ला सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। इस साइड करना है मैं इस साइड करता हूँ, ये एक नंबरिंग का ऑप्शन है। इसके अलावा आप देखिए एडजस्टमेंट, ये मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए आपको कितना डिस्टेंस चाहिए, अगर डिस्टेंस आपको ज़्यादा चाहिए डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, जितना भी डिस्टेंस आपके हिसाब से वो रख सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है 1.0। यहाँ पे रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ की जहाँ तक बात है कि पैराग्राफ हमें करना है तो ये हमारा ऑप्शन है, और हमें पैराग्राफ वगैरह चाहिए तो जैसे मुझे यहाँ पे पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ अगर मुझे चाहिए न्यू पैराग्राफ तो हम टाइप क्लिक करेंगे, ये पैराग्राफ खुद ब खुद आ जाएगा और वो सेटिंग हो जाएगी। जब हम दूसरी लाइन करेंगे इंटर क्लिक करेंगे हमारा, यहाँ पे देखिए इस तरह से वो खुद ब खुद आ रहा है, ये हम पूरी तरह से। तो ये एक ऑप्शन है, इसके अलावा बहुत सारे इसमें ऑप्शन है उर्दू टाइपिंग के। अगर इसका फॉन्ट वगैरह आपको, डिज़ाइन है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, पेज लेआउट है, प्रिफ्रेंस है, ये सारे बहुत सारे, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा अगर आपको क्या चीज़ करना है। ये जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई मतलब एक लेंथ में लाना है सबको, तो यहाँ से जाकर आपको जस्टिफाई कर देना है, अगर वो एक लेंथ में नहीं होगा तो वो आ जाएगा एक लेंथ में। ये तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको बेसिक है, जो आपको जानना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है जमील नूरी नस्ताली के हवाले से। इंसर्ट करना है यहाँ पे तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें देते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं, ऑनलाइन कुछ लेना है, स्मार्ट पेज, ये सारे बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। ऑनलाइन वीडियोज भी अगर आपको ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मैं बता दूँ कि ये जो है आपको अगर बॉर्डर वगैरह यूज़ करने हैं जहाँ यहाँ पे, तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन आते हैं बॉर्डर के, आप किसी भी तरह से अगर उसको बनाना चाह रहे हैं तो इसे बना लें। ये एक बहुत ही उम्दा, आपको मज़ा आएगा और आप इसके लिए एक नया तजुर्बा आपको मिलेगा उर्दू में, तो
इन सारी चीज़ों के लिए मैंने आपको बारे में आपको जो ये सारी चीज़ें बताई, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है वहाँ पे उसे ज़रूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो जो हमारा बन रहा हो वो आप तक ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। आप याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कौन सा जमील नूरी नस्तालिक आपको याद लोड करना है, इसके अलावा एक फॉन्ट है, ये फॉन्ट आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, अगर आपने नहीं किया तो उसे एक्सट्रैक्ट ऑल कर लीजिए, उसके बाद डायरेक्टली ये यहाँ पे दिखने लगेगा कि हाँ आ चुका है, और उसके बाद आपको वर्ड में जाना है और वहाँ पे यहाँ पे जमील नूरी आप सर्च करेंगे, ऐसा लिख के उर्दू फॉन्ट लाना होगा आपको, उसके बाद जमील, मैंने पहले से मेरे पास है इसलिए जमील नूरी करते ही आप जैसे टाइप करेंगे वो आ जाएगा, तो ये जमील नूरी नस्तालिक। आज के वीडियो में इतना ही,